आप किस नजरिए से आप देखते हैं? पीछे दिखा कर लो भाई, आईडिया तो अलग नजरिए से देखती हूँ। पहले तो फेलियर पुलिस, पूरा डिपार्टमेंट फेलियर। सेकंड एजुकेशन नहीं है, एजुकेशन के बिना ही ये सब होता है। थर्ड मैं देखती हूँ मोबाइल का इजीली अवेलेबल होना, उसके साथ इंटरनेट का मिलना। व्हेन पीपल सॉ फोन, वो जो भी करते हैं उनको उसको रियलिटी में करने के लिए बाहर जाते हैं, तो उससे लड़कियां सेफ नहीं है। तो एजुकेशन भी बहुत बड़ा इसका ड्रॉबैक है। सेकंड मोबाइल इजीली मिलना। थर्ड जो है कि लड़कियों की सुरक्षा में कानून नहीं है कोई भी। कानून होना बहुत जरूरी है। अब फास्ट ट्रायल कोर्ट तो बना देती हूँ। फास्ट कितना, निर्भया को 7 साल लग गए थे, फास्ट के बाद भी 3 साल लग गए थे उनको। और अगर मैं फास्ट की बात करूँ तो फास्ट को जो मैं समझती हूँ विद इन अ मंथ, आइदर विद इन अ 6 मंथ, कितना ही होता है ना फास्ट। तो हमें वही चाहिए। देखो अगर हम सेफ नहीं है तो ना आपके घर में भी कोई सेफ नहीं है, आपके भी घर में बहने हैं, हम सेफ नहीं है। एज अ लेडी मैं जब भी घर से बाहर निकलती हूँ मुझे कोई भी शेडो दिखती है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई लड़का मुझे फॉलो कर रहा है, मैं भी कोई और हूँ। इतना खौफ है ना माइंड में कि ऐसा लगता है कि मेरे पीछे कोई आदमी है और मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है, ये खौफ है। तो ये इंडिया में हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे अगर इस तरह से हमें कानून चाहिए। तो ये मैं अपने लिए सभी बहनों के लिए मांग रही हूँ। मनीषा के साथ जो हुआ वो हुआ ही, लेकिन वो भी हमारी बहन है और ऐसी पता नहीं कितनी बहनों के साथ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस लैकिंग। जी जी, जिस तरीके से मैं वहाँ पे सीबीआई की बात हो रही है, उनके परिवार सीबीआई की बात कर रहे हैं, SIT की, तो क्या कहेंगी, क्या लगता है सीबीआई की जांच होने के बाद क्या उनको फांसी मिल जाएगी, इंसाफ मिल पाएगा परिवार को? देखिए फांसी का जो है वो तो जज साहब ने देनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीबीआई जांच हो या ना हो, एक अच्छा वकील सारी चीजों को जो है सामने सबूत पेश करता है, उसके बाद ही किसी को फांसी होती है। सीबीआई जांच तो सुशांत के भी हो रही है। बात यह है कि न्याय मिलना चाहिए और जल्दी मिलना चाहिए। देर से मिली हुई पानी भी अगर आपको प्यास लगे, टाइम से ना मिले, तो उसका भी कोई मतलब नहीं रहता। तो सजा वक्त पे दो। सीबीआई जांच तो एक क्या बोलते हैं, एक लड्डू है किसी फैमिली को दे दिया कि आपको ये खा लीजिए, एक नाम है। असली में सजा मिलनी चाहिए और हम और सबको पता होना चाहिए कि ये सजा मिलते ही मेरे साथ ये होने वाला है, इस लड़की को मैं टच नहीं करता। मैम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा है बीजेपी, मैं इस नारे का बिल्कुल भी सहारना नहीं करती। पहले बेटी गर्भ में तब बचाएंगे ना, गर्भ के बाद जब समाज में रहने लायक होगी बेटी तभी तो बचाएंगे। आप क्या चाहते हो, बेटी बचाओ? अरे बेटी बचा के क्या करें, आपके शासन में तो बेटियों के साथ बलात्कार होता है, तो हम क्यों बचाएं बेटी? इससे अच्छा लड़का है ना, केयर तो नहीं है ना एटलीस्ट मन में कि क्या होगा उसके साथ। ठीक है, बेटी मैं उसके साथ। ठीक है, थैंक यू।